8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि पर 300 सालों के बाद बनेंगे चार दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। चार राशियां 2024 में ही बनेगी करोड़पति। शिव कृपा से अचानक से मिलेगा धन का लाभ, कर्ज से होगा छुटकारा। जी हाँ मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 8 मार्च 2024 यानी कि महाशिवरात्रि के बाद से ही चार राशि वाले लोगों की किस्मत सातवें आसमान पर पहुंचने वाली है। यानी कि इसी साल 2024 में चार राशि वाले लोगों का देवों के देव महादेव की कृपा से करोड़पति बनने का योग बन रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण भाग्यशाली राशियों की तरफ। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, हर साल फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस साल 2024 में महाशिवरात्रि 8 मार्च के दिन मनाई जा रही है। इस बार महाशिवरात्रि पर शिव योग, गज केसरी राजयोग, सिद्धि योग, श्रवण नक्षत्र के साथ ही प्रदोष व्रत का महासंयोग बन रहा है। और साथ ही महाशिवरात्रि पर चंद्रमा और मंगल एक साथ एक ही भाव में विराजमान है, जिससे लक्ष्मी नाम का योग भी बन रहा है। ऐसे में महाशिवरात्रि का जो महत्व है वो 100 गुना तक बढ़ चुका है। चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गो माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गो माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गो माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गो माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल दोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि 8 मार्च यानी कि महाशिवरात्रि के दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसे जगह जगह घुमाकर, जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या महाशिवरात्रि के दिन गौ माता के हरे चारे के लिए सहयोग करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है। और बदले में जो आपको साक्षात महादेव और माता लक्ष्मी जी का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लूट कर आएगा और यही कटु सत्य है। मित्रों, इस बार महाशिवरात्रि पर जो शुभ संयोग बन रहा है ना, जिससे शिवरात्रि का जो महत्व है वो भी कई गुना तक बढ़ चुका है। महाशिवरात्रि की पूजा चारों प्रहर में अलग अलग की जाती है और उसके अलावा निशिता काल में भी महाशिवरात्रि पर पूजा अर्चना की जाती है। निशिता काल की अगर बात करें तो 8 मार्च की रात को 12:05 से लेकर 9 मार्च की रात को 12:56 तक महाशिवरात्रि का अति उत्तम निशिता काल का शुभ मुहूर्त रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि पर भगवान महादेव की पूजा की विधि के बारे में, किस तरह से महादेव जी की पूजा करनी है। मित्रों, सबसे पहले वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो
अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। मित्रों सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि शिवरात्रि के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठ जाना है और सबसे पहले स्नान करके साफ कपड़े पहन ले, अगर संभव है तो फलाहार या निर्जला व्रत का संकल्प ले। फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, शुभ मुहूर्त में भगवान महादेव की पूजा शुरू करें, शिव जी को पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर फूल धूप फल दीप सहित सारी पूजन सामग्री विधि पूर्वक चढ़ाएं और सब कुछ चढ़ाने के बाद भगवान महादेव को खीर का भोग लगाएं और शिव मंत्रों के साथ ही शिव चालीसा का पाठ करें और अंत में भगवान श्री महादेव जी की आरती जरूर करें। मान्यताओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ जी को ठंडाई लस्सी हलवा भांग के पकौड़े और मालपुआ का भोग लगाया जा सकता है और ये सभी पकवान भोलेनाथ को काफी ज्यादा पसंद भी है। चलिए अब बात कर लेते हैं मित्रों महाशिवरात्रि पर जो दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं ना उससे सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का की कु बड़ा गय छ के को और ह से शुरू होता है उनकी मिथुन राशि होती है। मित्रों मिथुन राशि वाले लोगों के लिए 8 मार्च यानी कि महाशिवरात्रि के बाद समय काफी अच्छा और शुभ रहने वाला है। एक तो मिथुन राशि वाले लोगों को महाशिवरात्रि की वजह से धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, आप पूरे परिवार के साथ भगवान शिव शंकर के पूजन के लिए भी जा सकते हैं। जो भी व्यक्ति अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो महाशिवरात्रि के बाद व्यापार में आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी और साथ ही आपको धन का लाभ मिलेगा, धन की बचत होगी। इसी साल आपका बैंक बैलेंस भी काफी अच्छा बनेगा, महादेव की कृपा से धन कमाने के नए नए रास्ते भी खुलेंगे, हर कार्य में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। लंबे समय से आपके जो भी रुके हुए कामकाज थे वो अब धीरे धीरे पूर्ण होंगे। मित्रों ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी शिव भक्तों तक यह काम का अपडेट जो है पहुँच सके। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं मिथुन राशि वाले उनको नौकरी में इसी महीने मार्च में ही प्रमोशन मिलने की संभावना है, करियर में तरक्की के नए नए मार्ग बनेंगे और साथ ही माता पार्वती जी के आशीर्वाद से इसी साल आपका विवाह का योग भी निश्चित होगा। मिथुन राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर सफेद आंख के फूल अर्पित करें और साथ ही शिव स्रोत का पाठ करें। उसके अलावा महाशिवरात्रि पर शिव मंदिर में देसी घी का दीपक जलाएं, ऐसा करने से देवों के देव महादेव की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा बनी रहेगी। चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको पहनने की विधि क्या है, आपका स्वयं का मकान कब बनेगा, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, जीवन में कितने राजयोग बनते हैं, कब से समय आपके लिए भाग्यशाली होने लगेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं परेशान हो चुके हैं लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होते होते पता नहीं क्या मुसीबत क्या बाधा आ जाती है कि वो रिश्ता टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता
सफलता नहीं मिल पा रही है। व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं। आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं। पति पत्नी के बीच आपस में बनते नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी महाशिवरात्रि के बाद समय बहुत ही अच्छा और खास रहने वाला है। एक तो आपको इस दिन धन का लाभ होगा, साथ ही लंबे समय से आपके जो भी अटके हुए या रुके हुए कामकाज थे वो अब 8 मार्च से ही पूरे होंगे। तुला राशि वाले लोगों को मान सम्मान मिलेगा, धन का लाभ होने के योग बनेंगे और साथ ही महाशिवरात्रि की वजह से आप कई कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जो व्यक्ति नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो शिवरात्रि के बाद समय आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों को करियर में स्थिरता आएगी, कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने से आपके जो बॉस है वो आपके फेवरेट बनेंगे। इसी महीने मार्च में ही आपका प्रमोशन का योग भी बन रहा है, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नया पद हासिल हो सकता है और अगर आपने शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या कहीं पर भी पहले पैसा लगाया है ना, तो इसमें भी आप बहुत ही अच्छा और शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। तुला राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि महाशिवरात्रि वाले दिन आप भगवान शिव शंकर का पंचामृत से अभिषेक करें और साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ साबित रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है उनकी कुंभ राशि होती है। मित्रों, महाशिवरात्रि के बाद से ही कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी समय जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। भगवान शिव शंकर जी की कृपा से नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। साथ ही लंबे समय से अगर आप कुंवारे हैं, सिंगल है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कुंभ राशि वाले लोगों के लिए मार्च के बाद अगले 3 महीनों में विवाह की संभावना बन रही है, आपका विवाह का योग निश्चित होगा। साथ ही जो भी बेरोजगार है, लंबे समय से किसी अच्छी नौकरी या सरकारी नौकरी की प्रयास कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिलने की भी संभावना है। व्यापार में विस्तार की योजनाएं सफल होगी, परिवार के लोगों के साथ आपके जो संबंध है वो अच्छे और मधुर बनेंगे, पति पत्नी के बीच आपसे रिश्तों में सुधार आएगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि आप शाम के समय महाशिवरात्रि के दिन राहु स्रोत का पाठ कर सकते हैं, बाकी भगवान शिव शंकर के शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं और गंगा जल से भगवान शिव जी का अभिषेक करें। अगर आप यह उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से इसी साल आपको सफलता प्राप्त होगी। वैसे अगर आपको अपने नाम की राशि के बारे में पता नहीं है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम का पहला अक्षर लिखकर जरूर बताएगा, ताकि रिप्लाई में हमारे गुरुजी आपको आपकी राशि के बारे में जानकारी दे सके। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई